इंडिया में इतने रेप क्यों होते हैं, तो हाँ जो आपने जो लेक्चर आज समझाया तो उसी को बैकग्राउंड रखते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाँ क्या बिल्कुल ये हमारी समझ में कमी आ गई है, जो आज आपने बहुत एलैबोरेटली समझाया उसका इम्पैक्ट रेप कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, हमारी समझ में ही कमी नहीं आ गई। हमने जो नया वातावरण पिछले, मैं समझता हूँ, 25 साल में बनाया है शहरों में और गांवों में, हमने जो सारे भारत में नया वातावरण बनाया है, उसके कारण रेप कल्चर उसका एक नेचुरल परिणाम है। मैं आपको बात को रिपीट करके कहूं, आपका ये प्रश्न है कि रेप कल्चर क्यों हो गया, तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि 25 वर्षों में जो भारत में वातावरण, सामाजिक वातावरण बना है, जो सोशल एटमोस्फियर बना है, उसके अंदर रेप कल्चर के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं, तब तक ये रेप कल्चर रहेगा, और इसमें महिलाओं के लिए अत्यंत असुरक्षित समाज रहेगा, और पुरुष जो हैं वो एक से एक जघन्य काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब आप मेरे से पूछेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, इसका स्पष्ट कारण है, एक तो आपने ये नहीं सिखाया कि काम की जो इच्छा है उसका एक सामाजिक पक्ष होता है, एक सौंदर्य पक्ष होता है और एक दिव्य पक्ष होता है। एक तो ये टोटल शिक्षा की कमी है, स्कूल में इस पे चर्चा नहीं होती, लड़के को ये नहीं बताया जाता कि स्त्री लड़की है कौन, आपका संबंध उससे क्यों होगा, कैसा होगा। हमने जो समाज बनाया है उसमें स्त्री और स्त्री का शरीर हमारे लिए एक उपभोग की वस्तु है, और निरंतर हम उसको उस तरह से दिखाते हैं। हमें कार बेचनी है तो बॉनेट पर हम अर्ध नंगी स्त्री बिठा देंगे, बार बार दिखाएंगे, तरह तरह की हीरोइन दिखाएंगे, देसी विदेशी इस तरह से दिखाएंगे। और कार तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, आजकल तो पेंसिल भी बेचनी है तो आप दिखाएंगे कि वो पेंसिल भी एक निहायत सेक्सी मॉडल ने अपने दांतों के बीच में पकड़ी हुई है, या वो शरीर के किसी दूसरे अंग की ओर ले जा रही है जिसका कुछ एक सेक्सुअल मीनिंग है। तो जब हमने अपनी काम वासना को इतना घटिया बना दिया है कि वो निरंतर उभारते रहने की एक प्रवृत्ति है हमारे लिए, तो फिर क्या होगा, हम सोच विचार से अलग हो जाएंगे। आज बड़ा स्पष्ट कारण है, लोग घंटों घंटों पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख सकते हैं, बहुत कम उम्र से देख सकते हैं, 8वीं 10वीं क्लास से बच्चे देख सकते हैं, सबके पास फोन है, उसके ऊपर वो अवेलेबल है। तो जब आप निरंतर अपने आप को उत्तेजित करेंगे और सेक्स को केवल शारीरिक वस्तु ही समझेंगे, तो फिर क्या होगा, और कुछ होगा इसके अतिरिक्त। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत बड़े एक नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि औरतों को बुर्के में डाल दो और स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की को बात ना करने दो, को एजुकेशन खत्म कर दो, मैं इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आप पूरी समझ बदलिए, ये बदलिए कि शारीरिक इच्छा ही केवल एक अंत नहीं है, उसके ऊपर जो उसकी अलग अलग तीन भूमिकाएं मैंने बताई उसके बारे में बताइए, पढ़ाइए। और वो कैसे पढ़ाएंगे आप, एक उपदेश से तो नहीं पढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया, उसके बारे में आप पढ़ाएंगे, काव्य के बारे में, आप कविता के बारे में, कविता के थ्रू पढ़ाएंगे। अगर प्रेम दिखाना है तो आप अच्छा प्रेम दिखाएंगे, शीरी और फरहाद के प्रेम की बात करेंगे, राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करेंगे। राधा और कृष्ण का प्रेम वो दिव्य भूमिका का प्रेम है, शकुंतला और
दुष्यंत का प्रेम जो है वो शारीरिक, और दूसरी अवस्था जो मैंने बताई सामाजिक, उसका है। तो जब आप इस तरह से उदाहरण के साथ, काव्य के साथ, कविता के साथ, नाटक के साथ, साहित्य के साथ समझाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो समाज में ख़त्म हो चुका है, समाज के अंदर एक बहुत घटियापन आ गया है, और एक इतना पोर्नोग्राफिक कल्चर हमारे यहाँ है, उसका नतीजा जो हो रहा है वो ही हो सकता है। और बहुत ही दुख की बात है कि जो फिल्में हैं हमारी, वो फिल्में इस तरह से हर चीज़ को परोस रही हैं, पूरा का पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जैने कहाँ कहाँ के वुड जो हैं, वो वुड, उन वुड ने, उन वुड्स ने आदमी को जंगली बना दिया है। ऑल वुड्स हैव टर्नड इनटू जंगल्स एंड ऑल इनहेबिटेंट्स हैव बीन मेड इनटू जंगलीज। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े नियंत्रण की आवश्यकता है।